हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। पिछले वीडियो में हम इनपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस को कवर कर चुके थे, तो आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होता क्या है? आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस टू डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, दिखाता है। द आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले प्रोसेस डाटा, क्रिएट प्रिंटिंग कॉपी एंड प्ले म्यूजिक और मूवीज इन अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस डाटा को डिस्प्ले करता है, प्रिंटिंग कॉपीज को क्रिएट करता है और हेल्प करता है म्यूजिक और मूवीज को प्ले करने में। किसमें? कंप्यूटर में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो आउटपुट डिवाइस होता है वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले करता है। अब वो रिजल्ट किस किस माध्यम से डिस्प्ले होगा? वो होगा आपका आउटपुट डिवाइस का हार्डवेयर। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस दे रखे हैं। इसमें है आपका मेन आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन एंड प्रोजेक्टर। स्पीकर आप लोग को पता ही है, आपका जो साउंड का आउटपुट देता है। हेडफोन भी पता है आपका, ठीक है, साउंड का ये भी आउटपुट देने में यूज़ होता है। तो अब हम पढ़ते हैं मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर के बारे में। मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा को फिगर की तरह शो कर रहा है। तो ये हमारा मॉनिटर है, तो ये हमें क्या कर रहा है, एक तरह से फिगर या पिक्चर्स के रूप में हमारा जो डाटा है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो पहले जो मॉनिटर होता था वो आपका CRT टाइप का मॉनिटर यूज़ होता था। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब, जो एक TV की तरह होता था, बहुत ही काफ़ी भारी होता था और बहुत ही ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका खर्च होता था, इसलिए अब ये यूज़ नहीं होता है। तो ये काफ़ी भारी होता था, बिजली ज़्यादा लगता था और इसमें भी कई टाइप्स के मॉनिटर यूज़ होते थे। जैसे जो मोनोक्रोम होता था ये आपका ब्लैक एंड वाइट होता था। CG है ये आपका कलरफुल ग्राफिक अडाप्टर, ये कलरफुल होता था। ये एनहेंस ग्राफिक अडाप्टर, हरकुलस ग्राफिक अडाप्टर, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर और सुपर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। तो ये आपके CRT मॉनिटर के टाइप्स हैं। थोड़ी थोड़ी इसकी जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये आपकी बढ़ती गई है। पहले ब्लैक एंड वाइट में आने लगा था, फिर इसके बाद कलर में आने लगे, इसकी क्वालिटी बढ़ते बढ़ते ये आपका CRT टाइप्स के मॉनिटर इस तरह से यूज़ होते थे। ये आपके काफ़ी बिजली खर्च होते थे, इसलिए इसके बाद आपके आए यहाँ पे TFT टाइप के मॉनिटर। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये आपका TFT टाइप्स के दो मॉनिटर आते हैं। ये आपके LCD टाइप्स के आते हैं और एक LED टाइप्स के आते हैं। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड लाइट इमिटिंग डायोड आपका LED का फुल फॉर्म हो जाता है। तो अगर इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो इसमें इसके बजाय ज़्यादा ही बिजली खर्च होता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा भारी होता है इससे। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, TFT टाइप्स के मॉनिटर यूज़ होते हैं। अब आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, आपके हार्ड कॉपी पे आपके प्रिंटिंग करके आपको आउटपुट में रिजल्ट देता है। तो दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आता है DMP प्रिंटर और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। DMP का फुल फॉर्म होता है डॉट मैट्रिस प्रिंटर। जो ये प्रिंटर होता है, जो डाटा होता है उसको डॉट 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 करके इस तरह से प्रिंट करता है। पहले जो है ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे या टिकट वगैरह में ये यूज़ होता था। तो ये जो होता था ये अभी यूज़ होता है कहीं कहीं, ये आपका 6 से 8 पेज पर मिनट ये आपका प्रिंट करता है। इसका मेनली यूज़ ये आपका रेलवे स्टेशन और गवर्नमेंट ऑफिस में अभी भी देखने को मिलता है। और ये जो लाइन प्रिंटर होता है ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। किसी भी चीज़ का जो प्रिंटिंग करता है वो लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी होती है ये DMP प्रिंटर की तुलना में थोड़ी सी अच्छी होती है, लेकिन ये जो प्रिंटर होता है ये आपका सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही आपका प्रिंटिंग करता है। दोनों प्रिंटर जो है वो आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग ही इसमें यूज़ होता है। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट था आपका इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें क्या था, डॉट मैट्रिसेस प्रिंटर यानी DMP एंड लाइन। अब आते हैं यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में दो प्रिंटर आते हैं आपके, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, ये आपका कलरफुल प्रिंटिंग होता है, दैट में दोनों आपके प्रिंटर जो होता है वो आपका दोनों कलरफुल प्रिंटिंग करता है। और इंकजेट वाले में क्या होता है, इंक भरा जाता है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो होता है लेज़र इसमें जो होता है ये आपका रिफिल में होता है, मीन्स का जो रिफिलिंग होता है वो थोड़ा ड्राई होता है। तो इस टाइम जो यूज़ हो रहा है ये आपका है लेज़र प्रिंटर का, आप बहुत कॉस्ट भी ज़्यादा इसका नहीं होता है, और ये आपका जो प्रिंटिंग करता है वो आपका 40 से 45 पर मिनट का डाटा जो है, आपका पेज पर मिनट का डाटा ये प्रिंट करके आपको आउटपुट देता है। तो दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में आपके इंकजेट और लेज़र। इसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्टर की बात करते हैं। प्रोजेक्टर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, जो क्या होता है, जो एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। तो इसमें जो भी आपका जो कंप्यूटर अटैच रहेगा, जैसे इसका इस टाइम ज़्यादा यूज़ आपका पावर पॉइंट में यूज़ हो रहा है, मीन प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो ये क्या करेगा, जो प्रोजेक्टर फिगर है वो आपका प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिखता है, कोई भी पिक्चर्स वीडियो जो भी आप है तो यहाँ पे ये अटैच रहता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन पे आपके वो पिक्चर्स या ग्राफ शो होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो रिजल्ट को डिस्प्ले के रूप में आपका शो कराता है। मेनली आपके 5 टाइप्स के आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। मॉनिटर आपके पहले यूज़ होते थे CRT टाइप के, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये काफ़ी बिजली खर्च होता था और काफ़ी भारी और कॉस्टली भी होता था। इसमें बहुत टाइप के मॉनिटर आते थे, जैसे यहाँ पे है मोनोक्रोम जो आपका ब्लैक एंड वाइट में आता था, CGA यानी कलर ग्राफिक अडाप्टर, ये आपका कलर वाले में होता था, इन्हेंस ग्राफिक अडाप्टर, हरकुलस ग्राफिक अडाप्टर, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर एंड सुपर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। तो जो आपके डिस्प्ले की जो क्वालिटी है और जो आपका फिगर की जो क्वालिटी है, इसके कलर में चेंजेस होते होने के साथ साथ यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती गई है। इसके बाद इस टाइम जो यूज़ हो रहा है वो आपके TFT टाइप्स के मॉनिटर यूज़ हो रहे हैं, फिर 3 फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें आपके LCD और LED मॉनिटर यूज़ हो रहे हैं। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED का लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर आपके दो टाइप्स के मेनली यूज़ होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपका पहला प्रिंटर आता है DMP प्रिंटर, जो जिसका फुल फॉर्म होता है आपका डॉट मैट्रिसेस प्रिंटर। ये किसी भी चीज़ को डॉट 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 करके प्रिंट करता है। इसका आज भी यूज़ आपकी गवर्नमेंट ऑफिस या रेलवे ऑफिस में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर। इसकी जो क्वालिटी होती है DMP प्रिंटर की तुलना में अच्छी होती है, और ये जो भी कुछ प्रिंट करता है ये आपका लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, ये आपका बुक प्रिंट करने में यूज़ होता है। यहाँ पे दूसरा आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके दो टाइप्स के प्रिंटर देखने को मिलते हैं। आपके पहले आते हैं इंकजेट प्रिंटर और दूसरा आता है आपका लेज़र प्रिंटर। इंकजेट में आपकी इंक भरी जाती है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें आपकी रिफिलिंग की जाती है जो आपका ड्राई फॉर्म में होता है। इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिंटर लेज़र प्रिंटर को माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में आपके 40 से 45 मिनट पर पेज आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी देता है। इसके बाद यहाँ आते हैं प्रोजेक्टर की बात करते हैं। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, जो भी आपके इससे अटैच रहते हैं जो भी आपके सॉफ्टवेयर, उसका जो आउटपुट होता है वो आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन पे इसका आउटपुट दिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।